बच्चे हरिजन आदिवासी माई था, जबकि कहा थे कि हम हरिजन आदिवासी इनका सब कुछ दे रहे हैं। नहीं मिला ला, केवल यह लाडली बहन दई के ललचावा जा रहा है। हाँ केवल घर और जौन मिलत रहा, ब्रक नहीं मिला। अरे भगवान, 1,20,000 में कहा मिलते है बताइए अपना। खा लेते हैं और ये हम लोगों को बलखलाते हैं और बाकी कुछ नहीं करते। हाँ, जनता के हित में कुछ नहीं करते। शिवराज सिंह ये कह रहे हैं कि लाडली बहना, ये लाडली बहना क्या है? ये हमारे ही पैसा है, महंगाई बढ़ाते हो और हमारे ही पैसा जा रहा है सरकार के तरफ है सर। तो अब हम इनके चक्कर में थोड़ी हूँ, हम देखे आए हैं उनका फोटो तस्वीर होगा, बाकी और बाकी हमसे उनसे कम लोग मतलब मरे का कोई नहीं डराता है। का है हो गए नहीं के देखा है खातिर, इन्हें के सुना है खातिर, कहा कहा था, कहा बुखलावा था, कहा देते हैं, देख कहा कुछ नहीं देता, एक गिलास पानी तक नहीं पिए का मिला था। एंकर खड़ा था है तलाई का पानी लेके मर ही पीके, तलाई के पानी ले आया कहां गया, यही देखिएगा गंधा ला है गंधा आया। आप गुटखा खाए हुए हैं, मतलब आप छात्र तो नहीं है, दोनों मिक्स हो चुके हैं आप। नाम क्या है आपका? HHMD रखे हुए हैं वहाँ पर चेक करने के लिए, इसके बावजूद भी आपको बाहर निकाल दिए। बोलते हैं अंदर नहीं जाओ, क्या मैं क्या लेने जाऊँगा, मैं फिर जा रहा हूँ रूम पे अपना। गौर से देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपको हेलीकॉप्टर दिखाई दे रही है जो इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर पहला हेलीकॉप्टर आ रहा है, इसके जस्ट पीछे एक और हेलीकॉप्टर है, यानी एक ही रफ्तार से तीन तीन हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर आने वाले हैं। और ये देखिए एक जो है उतरने वाली है और इसके बाद दूसरी जो है उतरेगी, और चूंकि अभी तक जो इनकी उड़ान थी वो ऊपर थी और अब धीरे धीरे डाउन। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ, इस वक्त आप देख रहे हैं हमें और तरंग 24 न्यूज टीम को। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं, जहां मैं आपको बता दूं कि सीधी के बाईपास में मौजूद इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं हमें, यहां पर जमकर भीड़ जो है धीरे धीरे जुटती जा रही है और लाइन जो आप देख रहे हैं यहां पर आंकड़ा जताया जा रहा है कि लगभग लाखों जनता आज मौजूद होगी, जो सीधी जिले की 1,00,000 जनता का टारगेट है। अब यही देखना होगा यहां पर कि सीधी जिले में जनता कितनी आज पहुंच जाती है और कितने लोग मोदी के इस भाषण को सुनते हैं, कौन कौन सी योजनाओं का आज खुलासा होगा और क्या अभी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें आपको तरंग 24 न्यूज़ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी और भी कुछ बाकी है, वो है जनता का जो है सोच, की जनता की सोच क्या है और किस पर्पज़ से आज यहाँ पर पहुँचे और मोदी को लेकर के क्या राय है। हम खुद ही वृद्ध से पूछते हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जब भी चुनाई छड़ा बस तो बहरे रहो, क्या करो ना जाब है डब्बी छुड़ा लही भैया, काका के जौन है तो डब्बी छुड़ा लही, तम्बाकू चून वाली, यही सब कहेंगे, तम्बाकू जौन है हम खावे गरब, चाहे मोदी जी मिले चाहे ना मिले, ऐसा का नहीं मिले भाई, तब ओके जब खाए गए तब ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन तम्बाकू अभी कहेगी ये रहे हैं कि भाई हमारी तम्बाकू का जो ये डिब्बी है वो अंदर नहीं जाएगी, यानी कि जांच पड़ताल में बात करूँ कि कोई अगर गुटखा खा कर जाना चाह रहा है या गुटखा लेकर जा रहा है उसकी जांच पड़ताल हो रही है, उसका डिब ये जो तम्बाकू की जो डिब्बी है या राशरी का जो पाउच है उसे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, इस बात को लेकर के ये जो है जा रहे थे और वापस आ गए हैं। और भी लोगों से यहाँ पर चर्चा करेंगे, आज मोदी को लेकर के यहाँ पर पहुंचे आप, मोदी को लेकर के पहुंचे आप यहाँ? हाँ, कहाँ से आए आप? हम कोलोडी से। कोलोडी से आए, इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? हाँ, किसकी सरकार बनेगी इस बार? अब मोदी सरकार तो लगता है बनेगा, अब पब्लिक जुहान है मोदी सरकार के लिए। ये पब्लिक जुहान है मतलब अपना की कार आए हैं? हमका तो मोदी सर, मोदी कर रही, मोदी कर रही, काहे का वजह है मोदी की सरकार आवे की? दे रहे हैं खाए के, दे रहे हैं पैसा, दे रहे हैं खाए पैसा के, दे रही है तो बस हो गया। हाँ। और रोजगार के दे, अब हो गया वो है रोजगार, तभी नहीं मिला पर घर द्वार में। कैठी लड़का है अपना के? हमारा चाट का करत है, घर में से काम धंधा करके खा का, उनका मतलब रोजगार की आवश्यकता नहीं है, काहे नहीं है? हाँ, शादी सबके कह दिन है नहीं, अब दूठी के कारण 2,000 आवे लाख की नहीं, वो दूठन में पतोहियन के अपना के अब नहीं, अब काहे अब नहीं लिखा पढ़ाए नहीं आवता है भाई, अब तक योजना जब आई रही तब अपना का ले रहा काहे नहीं लेना भाई, मेरा रूप भर मिला है बस, गांव केवल 10% का मिला का कहन अपना, गांव में 10% लोगन का लाडली बहना योजना के लाभ मिल रहा है काहे, अब पता नहीं का ये दिखावे खातिर, दिखावे खातिर मतलब? हाँ, कि हम योजना दे ला है, मतलब सबका नहीं दे चाहता है, नहीं मिला लाग ना, मिलते नहीं लाग, केवाईसी नहीं हो लाग तो कहाँ से हो,
तो ये कौन सरकार के नीत तो ना हो कि मतलब कुछ है लोगन का मिले ज्यादा लोगन का ना मिले ये नीत है नीत है ये नीत है ये केवल जीते के टुआ मतलब कुछ लोगन का मिले हां भाई चार लोग का देखी तो 10 लोग पछी आई हूं वो तो बनी बात ही है मिलवाई करी बात बताइए अपना कि अगर आज जो है नहीं मिल रहा है उनका जेकर अभी बता की केवाईसी मां क्लियर नहीं बांदर की वोट के का देगी परसों शिवराज सिंह आए रहे हैं तो कहा बोलिंग कहें के जितने आदमी छूट हाँ उनका हमारे जीते के बाद जोड़ा जी दीन न जी जोड़ा जी शिवराज सिंह बोले रहे जीते के बाद अब अभी कहे नहीं जोड़ागा अब आप चुनाव चल रहा है मतलब ये लालच का है लालच ही केवल लालच ही अपना तो आए हैं तो कहे वोट ना देवे इनका अरे हम तो दे आप भाई जब जब सब दे ही हम देखे के लाने आए ना वोट वोट हम लोग अबे ना देवे मोदी के नहीं दिखे रहे नहीं नहीं देखे ना इनसे कहा वोट 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 जहाँ देख है मनाई वहाँ दी नहीं देखे है सामने से देखा है फोटो में देखा रही थी उससे नहीं देखा मतलब देखा यहाँ वोट जहाँ देखे वहीं वोट जहाँ देखा है वहाँ मनाई थी योजना और उनका भाषण सुना यहाँ है योजना सब दूसर के आई दे रहे योजना कुछ मिली नहीं रखो योजना पूछी थे हम 8 महीने से परेशान है योजना के बारे में कुछ नहीं दे एक थे मुख्यमंत्री संत रविदास योजना से हम फार्म भरवाएं आओ करीब 9-10 महीना वाला जनवरी के फार्म भराया है जनवरी के आज तक मादे तो नहीं मिला नहीं मिला आज योजना के फायदा मतलब मिलता ही नहीं ला। नहीं मिला लाग ना ये केवल मोदी शिवराज झूठ बोला था कि हम ये दे लाए लाडनी बहन दई के बकचोद बनाए नाम का है अपना हमारा नाम जगिसेन साकेत शिवपुरवा नंबर 2 से बोली ला अच्छा तो ये बताए कि अपना बच्चे हरिजन आदिवासी माई था जबकि कहा थे कि हम हरिजन आदिवासी का सब कुछ दे रहे नहीं मिला लाग केवल यह लाडली बहन दई के ललचावा जा रहा है हाँ केवल घर और जौन मिलत रहा अपना का नहीं मिला अरे भगवान 1,20,000 में कहा मिलते है बताइए अपना जैसे आवास आवत है तैसे महंगाई बढ़ जाती है जैसे आवास मिला था डायरेक्ट जो उन्हें तो 7,000-8,000 लोहा मिला था अब बताइए 8 क्विंटल 10 क्विंटल लोहा लागत है 1,20,000 में का होता है 1.5 लाख ना देते हैं 1.5 लाख कहाँ मिला था कितना मिला था खा लेता सहायक सचिव सब मिल के खा लेता तो यह तो सरकारें मनावत है सरकारी नौकर नौकरी भाई इनका छूट दे यहाँ सहायक का सचिव का भाई पार्टी लेवल आदमी है वहाँ जुड़े फोन लगवा दी छूट के गरीबन को सुन रहा है अच्छा ये बताइए जो 3 सेट वाला प्रतीक्षालय दिखे है 3 सेट वाला कितना मिला जानी थी योजना जो है वो कर सरकार कितना देती एक के पीछे जानी थे बना वो काम का नहीं पता वो 2.5 लाख के बना थे 2.5 लाख रुपये पास बा है अपने के घर जो है 1.5 लाख में बनावे के जो है पास कीन का है घर बनावा रहा मतलब आवा है आवास हमका मिला रहा है 1 लाख 1.5 लाख बोले रहे की मिली 1,25,000 कुल पान पैसा अच्छा आवास का सरकार अभी अगर बात की भाजपा की सरकार है का कांग्रेस की सरकार मिला रहा अपने नाम से मिला रहा इंदिरा निवास कितना मिलत रहा पहले हमको तो ध्यान नहीं है मगर मिलत रहा अच्छा साथ चाचा ही बोले यही पहले इंदिरा निवास योजना जो अबद रहा घर बनवावे खातिर कितना मिलत रहा 2.5 लाख रुपया कहाँ 2.5 लाख मिला रहा अपना जानकारी नहीं है पहले पूछी ला कांग्रेस के जमाने में कितना मिला था सबसे पहले 30,000 रुपया चालू हुआ था इंदिरा जी आवाज जब चालू हुआ है 30,000 रुपया फिर 70 हुआ कांग्रेस के जमाने में 70,000 जी उत्तीस समय सीमेंट का रेट रहा नहीं 200-250 नहीं 190 रुपए की आती थी एक बोरी सीमेंट एक बोरी कांग्रेस के जमाने जी हाँ आज का रेट है 350 400 रुपए आज 400 है और वही का रेट कितना कई दिन का ढाई कई दिन का डेढ़ कई दिन डेढ़ लाख रुपए दिन बात तो बराबर है ना जी पहले 200 रुपया में सीमेंट मिलत रहा है ना तो 70 देते रहे आज वही के बढ़ाए के अगर 1.5 कई दिन ही नहीं तो सीमेंटवा के रेट दूता के दिन तो मतलब का विकास भा कौनो कोई विकास नहीं का जनता कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा कुछ मिल रहा फिर एकर का मतलब उठा का सिर्फ गांव के सरपंच सेक्रेटरी जो है सारा पैसा आवास का खा लेते हैं और ये हम लोगों को बलखलाते हैं और बाकी कुछ नहीं करते हाँ जनता के हित में कुछ नहीं करते शिवराज सिंह ये कह रहे हैं कि लाडली बहना ये लाडली बहना क्या है ये हमारे ही पैसा है महंगाई बढ़ाते हो और हमारे ही पैसा जा रहा है सरकार के तरफ सरकार गरीबों को एकदम गाड़ दी जमीन में गरीब हो गए अच्छा 200 रुपये वाला जब यह गैस सिलेंडर के रेट घटा है तो
पोस्टर तो दिखे हो सके लेकिन 200 रुपया लेकिन मिला किसी को नहीं है सर। नहीं नहीं घाटा तला है आखिर में घाटा मान ली लेकिन जब बढ़ा रहा जब 400 रहा तो जब 1100 होगा 700 रुपया बढ़ा तो कब पोस्टर लगाए रहे कबहू नहीं लगा हम बढ़ाए हैं हां कबहू नहीं लगा घटावे वाले कहां लगा अब हो गई है पब्लिक बखलवावत है या कराते सेक्रेटरी सरपंच का खा लेते अब इनके विधायकल के पास जाए तो कहीं चला चला गंध आ रही दूर बैठा उनके बैठा बताइए मेर बता दें गरीब आदमी इनका तो अच्छा ही हम लोग आए हैं गरीब आदमी तो अब हम इनके चक्कर में थोड़ी हूँ हम देखे आए हैं उनका फोटो तस्वीर होएगा बाकी और बाकी हमसे उनसे कम लोग मतलब बात करूं मैं आपको इधर इधर आ जाऊं बात करूं कि मैं आपको बताता चलूं कि जो है अभी कुछ ही दिन पहले ये सभा जो है डेली की जाती थी पिछली बार मोदी जब आए थे रीवा में आए थे और सतना में आए थे उस टाइम पर टनल के पास एक हादसा हुआ था जिसमें लगभग बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और उस टाइम पर जो है यहां से सभी गरीबों को बुलाया गया था बसों में हर ग्राम पंचायत को सचिव और सरपंच को कहा गया था कि जो है पहुंचाया जाए और उस माहौल में ये देखा गया था बहुत सारे लोग जो है विधवा हो गए थे बहुत सारी महिलाएं खत्म हो गई थी बहुत सारे बच्चे भी खत्म हो गए थे इस संदर्भ में भी हम जानेंगे कि क्या राय है ये बताइए कि जब सरकार के द्वारा बुलावा आता है लोगों को बुला ले जाते हैं कि भाई तुम चलो हमारे यहां जैसे आज यहां आए हैं तो बहुत दूर दूर से एक बस भेजे होंगे बुलाने के लिए तो ये सही है कि गलत है सही है बुलाए हैं भाई अब ऐसे है कि अपनी मतलब खातिर बुलाए हम आप जनता तो वही करी देखी फ्री में गाड़ी पावल लाई आवे भूखन तो मारा थी देखी तो कन्फर्म आए मगर गाड़ी चढ़े के चक्कर में लोग चले आवा थे यहाँ गाड़ी चढ़े के चक्कर में आवा लेकिन वही दौरान कई एक जने मर तो गए हाँ एक के देखे वाला नहीं आए हैं मारा कहन मरे का कौन नहीं डराता है काहे हो गए नहीं के देखा है खातिर एनएन के सुना है खातिर का कहा था का बखलावा था का देते हैं देख कहा कुछ नहीं देते एक गिलास पानी तक नहीं पिए का मिलाता है यहाँ बड़े बड़े इनका मिला के छोटे इनका मिला आज एक गिलास पानी मिला अपना का तो पूछिया है ये टैंकर खड़ा था है तलाई का पानी ले गए मरी पी के तलाई के पानी ले कहा यही देखिए गंधाला है गंधाला है पानी आप देखिए या तो जनता बता रही हमें हम कुछ नहीं कह सकी ऐसे कि अपना बच्चे गए रहे हो नजदीक से दिखे रहे हो पानी अरे पीवा धन है कुल्ला का धन मचिक दे नहीं पियन नहीं पियन मतलब पानी तक की व्यवस्था नहीं है नहीं आए तो फिर अपना पंजे काहे आने हैं जब आए हैं सब गांव के आए तो होते साथ में चले आन के चला भाई हम बचे तमाशा देखब माहौल सुनत का कहा था इधर की बदलाव सुनिश्चित है अरे सुनिश्चित है काहे भाई इतने सारी योजना देते हैं कि बावजूद हो बिल्कुल बावजूद हो निश्चित है बहन का दयाल ना बहनों का दयाल हाँ कुछ नहीं देते लाल दे रहे हैं तो ये तो प्याज मांगा कर रहे ऐसे में तुम पढ़ाई करते हैं आप किस कक्षा में नाइन्थ क्लास में है कहाँ पढ़ते हैं देवसर में देवसर से आए आप गुटखा खाए हुए हैं मतलब आप छात्र तो नहीं है दोनों मिक्स हो चुके हैं आप नाम क्या है आपका बाबूलाल पूरा नाम बाबूलाल साहू आप देश के एक शिक्षित व्यक्ति बनने के बजाय बल्कि आप गुटखा खाकर यहाँ पर खड़े हैं बता रहे हैं नाइन्थ क्लास में है आठवीं तक जब आप पढ़े हैं तो कहीं पर आप फेल हुए हैं और इस बार नौवीं में क्या होगा नाइन में आप पता नहीं पास हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं जरूरी नहीं है ना जरूरी है मतलब जरूरी नहीं है कि पास होंगे ऐसा कह रहे हैं आप पास भी हो सकते हैं फेल भी हो सकते हैं इसकी वजह बताइए इसकी वजह पढ़ाई हो नहीं रही है स्कूल में आप पढ़ते हैं पढ़ना चाहते हैं कभी शिक्षक से आपने कहा कि हमें पढ़ना है आप पढ़ाइए बोलते हैं बाकी मास्टर लोग कितना ध्यान थोड़ी दे रहे हैं सरकारी स्कूल में इतना पढ़ाई हो बस मोबाइल में रील वगैरह आप देखते हैं रील के पढ़ाई देख करते हैं कि इतना मास्टर लोग पढ़ाई पे ध्यान थोड़ी दे रहे हैं अच्छा इस बार बताइए सरकार किसकी आएगी सरकार बीजेपी ही आएगी काहे आएगी आप ही कह रहे हैं शिकायत कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी है फिर भी आप कह रहे हैं कि जो है बीजेपी आएगी काहे आएगी वजह क्या है काका कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है मिल तो नहीं रहा है फिर काहे आएगी जब भाई जनता काहे चुनेगी जब कुछ मिल ही नहीं रहा है नहीं चुनेगी कांग्रेस भी आ सकती कांग्रेस को भी इस बार लाने का विचार है कांग्रेस भी आ सकती मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता अभी आप क्या कहते हैं सरकार किसकी होगी इस बार अब ये तो पता नहीं है किसकी होगी लेकिन लगता है कांग्रेस की होगी वजह अब देखो मैं इसको लेके अंदर जा रहा था इसको बोलते हैं इसको बाहर रखो इसको कैसे बाहर रखूं मैं
क्या वजह है इसमें बम है क्या? चेक किया आपने इसे? इसमें क्या है, बम है इसमें क्या? ये देखिए, ये ब्लूटूथ का डिब्बा है, वाकई में इसमें कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। ब्लूटूथ ये भाई साहब कान में लगाए हैं, सिर्फ ये डिब्बा मात्र है। तो इसे क्यों बोल दिया गया इसमें भाई? जब आप वहाँ पर मशीन लगा हुआ है चेकिंग के लिए, HHMD रखे हुए हैं वहाँ पर चेक करने के लिए, इसके बावजूद भी आपको बाहर निकाल दिए? बोलते हैं अंदर नहीं जाओ। क्या मैं क्या लेने जाऊँगा? मैं फिर जा रहा हूँ मैं रूम पे अपना। मैं यहाँ का नहीं हूँ, सिंगरौली का हूँ, लेकिन यही रहता हूँ। अच्छा, रहते रहते आप यहाँ हैं सिंगरौली के? हाँ। तो आप नहीं जाएंगे मिलने के लिए? नहीं जाऊँगा, क्या लेने जाऊँगा मैं? यहाँ पे बाकी काला कपड़ा मत पहन के। हाँ, बोलते हैं काला कपड़ा मत पहन। क्या बात है, काला कपड़ा इधर आइए। काहे काला कपड़ा नहीं पहने? हम लोग बोले कुछ नहीं लिए हैं, तब भी बोलेंगे काला सब शर्ट पहने इसलिए नहीं आने देंगे अंदर। काला शर्ट पहने इसलिए अंदर नहीं आने देंगे। काला तो पैंट भी पहने हैं आप? हाँ, तो पैंट चल जाएगा। आपको भी नहीं जाने दिए काला पहने तो? बच्चे हम क्या करेंगे? इधर आइए, इधर आइए। काहे नहीं जाने दे रहे हैं सर? कह रहे हैं काला कपड़ा पहन के नहीं जाने देंगे। वजह? वजह कुछ नहीं, आपने पूछा कि काला कपड़ा नहीं? भाई पहले आप नोटिस दिए होते कि काला कपड़ा पहन के नहीं? पहले बताए होते तो मैं आते, अब इतना दूरी से आए 80 किलोमीटर तो कहाँ है। 40 किलोमीटर हम कोई कपड़ा वपड़ा नहीं रखे हैं कि भगवान हमको लाल वाला दे दो यहाँ से? रखे हैं, पानी तक ले जाने दे। पानी नहीं ले जाने? काहे पानी नहीं ले जाने दे? मतलब प्यासे मर जाए वहाँ? हाँ, प्यासे मर जाए। अरे तो गुटखा तो नहीं खाना चाहिए, इसमें क्या गलत है? पुलिस वाले बोल रहे थे कि पेन हमको दे दो, हमको दे दे। हम कहें नहीं जाएंगे भाई, हम पेन छुड़ा लेते हैं, राशिरी छुड़ा लेते हैं, काला शर्ट उतरवा देंगे, नंगा कर देंगे। पानी बताइए, पानी ले जाने में क्या तकलीफ है? पानी नहीं ले जाने दे रहे हैं, मतलब ये स्थितियाँ है कि लोग यहाँ पर मोदी जी से मिलने तो आए हैं लेकिन मोदी जी से मिलने नहीं दे रहे हैं। नहीं दिया जा रहा है। सही है, सही है भाई। और इतने सारे लोग यहाँ पर है, कोई अब जो है ब्लूटूथ लगा के रखा हुआ है। अब देखिए, हम भी तो माइक लिए हैं, हमारे पास फोन है, हमारे पास भी ब्लूटूथ है। अब देखते हैं कि हमें जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि मोदी से मिलने बहुत सारे लोग आए, अलग अलग क्षेत्र से आए, सिंगरौली से, सीधी से, देवसर से। बोलते हैं कि छोटी सी मोबाइल ले हो, मचिक दो। अब मचिक दे इसको। ये तो देखिए झूठ बोल रहे हैं आप, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में ऐसा बोल रहे हैं। सच में चलिए आपको पूछाते हैं। हाँ, चल के पूछाते हैं। क्या मतलब बोले गया कि भाई मोबाइल वोबाइल आप लिए हो तो नहीं जाओगे अंदर? सब सब यहीं रख दो, इसके बाद जाओ। तो बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर मोबाइल लेके, अभी जा तो रहे हैं, सभी जा रहे हैं। देखिए, जा रहे हैं, आप लेके जाने दे रहे हैं, मोबाइल ले जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो, अरे पुलिस वाले बता दो, ढुसको ढुसको नहीं हम बोले। तो ये हालात है आप जो देख रहे हैं इस वक्त। और खास खबरों के साथ बने रहिए तरंग 24 न्यूज़ पर, और भी जानकारियों के साथ फिर जुटते हैं। फिर आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आज मोदी की योजनाओं के तहत क्या चीजें हैं। और ये सामने हेलीकॉप्टर आ रही है, आप देख रहे होंगे, ये अब मैदान में दो दो हेलीकॉप्टर एक साथ आ रही हैं और ये मैदान में उतरने वाली है। 1 बजे की बात हुई थी और 1 बजे ये देखा जा रहा है 3 हेलीकॉप्टर एक साथ दिखाई दे रही हमें यहाँ पर। जो मैं आपको बताता चलूँ कि 3 हेलीकॉप्टर लैंड होने वाली हैं। अब देखना यही होगा कि कौन कौन मोदी के साथ यहाँ पर आ रहा है। और बहुत जल्द जो है वहाँ पर उतरने के बाद गाड़ियाँ जो है यहाँ पर रफ्तार के साथ आएंगी। अब अंदर चलेंगे, हम भी देखेंगे कि इस वक्त वहाँ पर क्या है। मैं दिखाता चलूँ कि साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि जनता जो है अभी भी लाइन लगा के बिल्कुल कतार में वहाँ से निकल के आ रही है। लेकिन जनता की शिकायत ये है कि हम इतनी दूर से मिलने आए, हमें पहले बता दिया गया होता कि काला कपड़ा पहन के नहीं आना है, या मोबाइल लेके नहीं आना, या फिर ब्लूटूथ लेके नहीं आना, तो हम ऐसा नहीं करते। लेकिन हो सकता था कि मुलाकात होती, लेकिन पुलिस के द्वारा इस तरीके से किया जा रहा। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी किया जा रहा होगा, लेकिन काले कपड़े को लेकर के क्यों किया जा रहा? ब्लूटूथ की जांच हो सकती थी कि भाई इसमें कुछ है तो नहीं। सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं दुरुस्त तो जरूर बनाई गई है, लेकिन इसमें लापरवाही भी जरूर है, क्योंकि पहले भी आपको सूचित कर देना चाहिए था। और गौर से देखेंगे यहाँ पर, जूम करके दिखाना थोड़ी सी, गौर से देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपको हेलीकॉप्टर दिखाई दे रही है जो इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर पहला हेलीकॉप्टर आ रहा है, इसके जस्ट पीछे एक और हेलीकॉप्टर है, यानी एक ही रफ्तार से 3-3 हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर आने वाले हैं। और ये देखिए, एक जो है उतरने वाली है और इसके बाद दूसरी जो है उतरेगी। चूंकि अभी तक जो इनकी उड़ान थी वो ऊपर थी और अब धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, जो आप देख रहे होंगे इस टाइम पर। ये दूसरी हेलीकॉप्टर और एक जस्ट उसी के पीछे तीसरी हेलीकॉप्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ पर लाइव, और अब देखने को मिलेगा आपकी जस्ट पेड़ के साइड से वो हेलीकॉप्टर निकल रही है, जो देखने को मिलेगा आपको इस टाइम पर। ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर लगातार आप देख रहे होंगे हेलीकॉप्टर, ये पहला हेलीकॉप्टर आ चुका है जो लैंड हो रहा है, वहीं दूसरा हेलीकॉप्टर भी लैंड होने वाला है।
ये यहाँ पर जनता जो है काफी तेजी के साथ वीडियो बनाने के लिए पहुंच रही है जो आप देख रहे हैं। ये दूसरी हेलीकॉप्टर आ चुकी है और कहा जाए तो 1 बजे की बात हुई थी और 1 बजे यहाँ पर 1:05 पर यहाँ पर मोदी पहुंच चुके हैं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि सीधी जिले में मोदी इस वक्त जो है सीधी जिले में आ चुके हैं और सीधी के बाईपास इस ग्राउंड में दूसरा हेलीकॉप्टर जो है ये लैंड हो चुका है। और अब तीसरा एक और जो हेलीकॉप्टर, आपको मैं बताता चलूं कि तीसरा भी लैंड होने वाला है जो पेड़ के जस्ट पीछे से ये निकलने वाला है, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये तीसरा हेलीकॉप्टर, तीन हेलीकॉप्टर यहाँ पर आया है और तीनों हेलीकॉप्टर में देखना ये होगा कि कितने सारे जो है नेता और मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं। चलिए आगे की तरफ देखेंगे कि आगे क्या होता है और वहाँ पर किन किन चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं और कौन कौन मंत्री आया। बहुत बहुत धन्यवाद।